हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम अंडर राइटिंग कमीशन उसका एक सेकंड सम जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये इलस्ट्रेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तैयार रखना जब ये वीडियो देखते हो, और जैसे मैं समझाता हूँ वैसे इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते जाना, आपको 100% पता चल जाएगा। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 11 की इन्फॉर्मेशन में हमें सबसे पहले देखना है ऑथोराइज शेयर्स आपके पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो इश्यूड शेयर्स कितने हैं वो देख लो। एज पर इंफॉर्मेशन, गोलमाल लिमिटेड मेक्स अ पब्लिक इश्यू ऑफ 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो यहाँ पर ऑथोराइज शेयर्स हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, ऑथोराइज शेयर्स नॉट गिवन। एज पर अवर रूल्स याद रखना है, अगर ऑथोराइज शेयर्स हमारे पास है तो उसका यूज, वो शेयर्स का यूज आगे कहीं पे होना नहीं चाहिए। इश्यूड शेयर्स जो हमें सेकंड नंबर पे लिखना है, सो इश्यूड शेयर्स आर 1,50,000 शेयर्स। नेक्स्ट वर्किंग हमारी है फेस वैल्यू, ₹10 फेस वैल्यू है, प्रीमियम उसका 10%। सो ₹10 का 10% ₹1। सो टोटल ₹11 वो शेयर का इश्यूड प्राइस हो गया। जब भी आप अंडरराइटिंग कमीशन का सम सॉल्व करते हो, ये फर्स्ट टू पॉइंट पहले आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह पर हम आ रहे हैं, हमें डिसाइड करना है कि फर्म अंडरराइटिंग के लिए क्रेडिट गिवन से सम सॉल्व करना है या क्रेडिट नॉट गिवन से। अब ये जो इलस्ट्रेशन है उसमें प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन रीड करो, कहीं पर भी क्लियर नहीं किया है कि क्रेडिट गिवन है या क्रेडिट नॉट गिवन। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था जो थियरी वाला था, उसमें मैंने समझाया था कि अगर क्लियर नहीं है तो हमें क्रेडिट नॉट गिवन से सम सॉल्व करना है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नॉट है हमारी, क्रेडिट इज नॉट गिवन फॉर फर्म अंडरराइटिंग से सम सॉल्व करना है। क्लियर नहीं होगा तो याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रॉपर 3 स्टेप है, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटीज। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क एप्लीकेशन। अब यहाँ डिस्कस करने के लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सम की, उसमें एक टेबल दिया है, वो टेबल बहुत ही प्रॉपरली केयरफुली समझना। ऑलरेडी मैंने वो टेबल यहाँ पे लिख दिया है, चलो मैं उसको समझाता हूँ। अंडरराइटर्स है आपके पास, आन बान सान, नीचे लिखा है अनमार्क एप्लीकेशन, नोटिस करना अनमार्क एप्लीकेशन वहाँ पे लिख कर दिया है। एप्लीकेशन रिगार्डिंग फर्म अंडरराइटिंग, दैट मीन्स ये पूरा कॉलम आपका फर्म अंडरराइटिंग का हो गया, ये आपको फर्म अंडरराइटिंग दी है। नेक्स्ट कॉलम है मार्क एप्लीकेशन, नेक्स्ट कॉलम है मार्क एप्लीकेशन एंड लास्ट कॉलम में यहाँ पे लिखा है टोटल। अब यहाँ पे नोटिस करना,
ये समझना बहुत ज़रूरी है। 5,000 प्लस 40,000 आपका आंसर आता है 45,000। दैट मीन्स ये जो कॉलम है लास्ट वाला कॉलम, ये मार्क एप्लीकेशन उसमें फर्म अंडरराइटिंग प्लस करके दिया है। तो यहाँ पे समझना है कि ये जो टोटल है उसमें जो ये एप्लीकेशन का लास्ट कॉलम है वो उसका टोटल है 1,40,000। वहाँ पे समझ लेना इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग समझना है, इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग आपको पता चलना चाहिए, लिखा नहीं है लेकिन ये टेबल में से समझना है। अब हमें क्या क्या चाहिए वो लिखते हैं स्टेप वाइज। जैसे कि मार्क एप्लीकेशन 40,000, 45,000 एंड लास्ट में है 34,000, जिसका टोटल है 1,19,000। हो गया मार्क एप्लीकेशन। अब प्लस होता है उसमें फर्म अंडरराइटिंग, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट इज नॉट गिवन से हमें सम सॉल्व करना है। क्रेडिट इज नॉट गिवन दैट मीन्स हमें फर्म अंडरराइटिंग प्लस करना नहीं है, क्रेडिट देना नहीं है। दैट मीन्स प्लस मत करो। क्या प्लस नहीं करना है? फर्म अंडरराइटिंग। सो टोटल 40,000, 45,000, 34 एंड 1,19,000। स्टेप वन मार्क एप्लीकेशन इज कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप अनमार्क एप्लीकेशन। कई लोग अब बोलते हैं सर ये सब में अनमार्क एप्लीकेशन तो थी, यहाँ पे नोटिस करो अनमार्क एप्लीकेशन 8,000, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका यूज अनमार्क एप्लीकेशन में 8,000 लिखकर मत करो। स्टेप टू देखेंगे पता चलेगा। सो हमें हमारे प्रॉपर वैसे ही अनमार्क एप्लीकेशन फाइंड करनी है। कैसे? सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव, कितना एप्लीकेशन मिला था चेक करो। अंदर लिखा होगा पैराग्राफ में कंपनी रिसीव टोटल एप्लीकेशन फॉर 1,40,000, ऊपर पैराग्राफ में भी लिखा है और यहाँ पर भी समझ सकते हो ये 1,40,000 आपकी एप्लीकेशन है। अब नीचे ब्रैकेट में हमें लिखना है इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है या एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है। अब ये सब में ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा है, लेकिन ये टेबल समझकर आपको डिसीजन लेना है। तो ये टेबल में से क्या समझे हम? सर ये जो लास्ट कॉलम था उसमें फर्म अंडरराइटिंग ऐड होकर आई है। ऐड हुआ मीन्स उसको बोलते हैं इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। दैट मीन्स फर्म अंडरराइटिंग यहाँ इंक्लूड हो गई है तो सेकंड टाइम वो फिर से प्लस नहीं होता है। दैट मीन्स फर्म अंडरराइटिंग उसके सामने यहाँ पे जीरो लिख देना है। टोटल आया 1,40,000, उसमें से माइनस होता है मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन इज 1,19,000। सो अनमार्क एप्लीकेशन का आंसर कितना आया? 21,000। आपको इन्फॉर्मेशन में अनमार्क एप्लीकेशन तो 8,000 दिया था, लेकिन सही आंसर आपका है 21,000। मार्क एप्लीकेशन अनमार्क एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब स्टेप थ्री स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स। चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे लिखना है ग्रॉस लाइबिलिटीज। अंदर देखना कौन से अंडर राइटर ने टोटल कितने शेयर्स की गारंटी दी है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया है, ये इलस्ट्रेशन में उसके परसेंटेज भी नहीं है, लेकिन वर्ड्स में लिखा है। वर्ड्स समझना, अंदर इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो। अंडर राइटर्स मिस्टर आन
बान एंड सान अंडर राइट होल इश्यू ऑन इक्वल बेसिस. वहाँ पे लिखा है इक्वल बेसिस पर, दैट मीन्स सेम रेशियो में उन्होंने अंडर राइटर्स के शेयर्स डिवाइड किए हैं. दैट मीन्स हम रेशियो लिख सकते हैं 1:1:1, जिसका टोटल होता है 3. इक्वल बेसिस हो गया, सब में सेम रेशियो 1:1:1. टोटल कितने शेयर इश्यू किए थे? ग्रॉस लाइबिलिटीज का मीनिंग होता है टोटल इश्यूड शेयर. कितने शेयर इश्यू किए थे बोर्ड पे देखना, इश्यूड शेयर से 1,50,000. सो मैं यहाँ पे टोटल में लिखूँगा 1,50,000. इसको 1:1:1 में डिवाइड करूँगा तो 50,000 ईच. ग्रॉस लाइबिलिटीज में से मार्क एप्लीकेशन माइनस होती है. वे कितना मार्क एप्लीकेशन था? 40,000. सेकंड 45,000. नेक्स्ट 34,000, जिसका टोटल 1,19,000. चलो ये सब कुछ हमें माइनस करना है. सो आंसर मिलेगा 10,000, 5,000, 16,000, 31,000. अब नेक्स्ट क्या माइनस होता है सर? अनमार्क एप्लीकेशन माइनस होता है. अब अनमार्क एप्लीकेशन आई थी 21,000. कितना आया था? 21,000. सो वो लास्ट में बताना है 21,000. अब ये 21,000 को इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है. सो 21 डिवाइड बाय 3 करूँ, 7,000 ईच. 7 7 एंड 7. चलो 7,000 माइनस होने के बाद 3,000 आया. ओके, यहाँ पे 5,000 माइनस 7,000, आंसर इज माइनस 2,000. 9,000 एंड 10,000. अब हमें समझ पता है अगर सर माइनस आता है तो हमें लिखना है सरप्लस. सो नेक्स्ट लिखेंगे सरप्लस. जिस कॉलम में माइनस है वहां पे प्लस करो. प्लस 2,000 हो गया. अब जो कॉलम बाकी रह गए उसके रेशियो में उसको डिवाइड करना है. जैसे कि ये दो जिसका रेशियो 1:1 है, सो हमें इसको 1:1, दैट मीन्स उसका टोटल होता है 2. 2,000 को 1:1 में डिवाइड करूँ तो 1,000 आता है. सरप्लस का टोटल ऑलवेज 0 होता है. अब फिर से प्लस माइनस चेक कर लेते हैं. 2,000 0 8,000 10,000. अब कोई अमाउंट माइनस नहीं है तो फिर लास्ट में प्लस करना है फॉर्म अंडर राइटिंग. चलो फॉर्म अंडर राइटिंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको ये लिख कर दी थी 553 5,000 5,000 3,000, जिसका टोटल था 13,000. फाइनली नेट लाइबिलिटीज 7,000 5,000 11,000 23,000, जिसके सामने हम लिखेंगे नेट लाइबिलिटीज. सो फ्रेंड्स, ये आपके 3 स्टेप की कैलकुलेशन हो गई. मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ नेट लाइबिलिटीज. नाउ फ्रेंड्स, कैलकुलेशन तो हम समझ गए. अब ये
क्वेश्चन में लास्ट में चेक करना, जर्नल एंट्रीज भी हमें लिखनी है। सो अब हम टोटल 5 जनरल एंट्रीज लिखी जाती है। थियरी के वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था, ऑलरेडी मेरे पास वो लिखा हुआ तैयार है। एक एक एंट्री समझते जाते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखना है, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोलमाल लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितनी आएगी? देखो भाई, ये फर्स्ट एंट्री ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमाउंट के लिए। उसकी अमाउंट लिखने का प्रॉपर रूल समझ लेना। आपको कितना एप्लीकेशन मिला है वो देखना है, तो उसके लिए स्टेप टू में चले जाओ। एप्लीकेशन रिसीव लिखा होगा हर बार, कितना एप्लीकेशन रिसीव है, 1,40,000। सो 1,40,000 इंटू इश्यूड प्राइस करना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो याद रखना है, जब भी एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग होता है तो वो फर्म अंडरराइटिंग एंट्री जब लिखते हो तब माइनस करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आपने एप्लीकेशन के नीचे इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग लिखा होगा तब ही ये प्रोसेस करनी है। तो जैसे कि 1,40,000 एप्लीकेशन मिली है, उसमें से इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग लिखा है, इसी वजह से फर्म अंडरराइटिंग जिसका टोटल फर्म अंडरराइटिंग का टोटल था 13,000 माइनस फर्म अंडरराइटिंग 13,000, तो 140 में से 13,000 मैंने माइनस किया, आंसर आया 1,27,000। ये शेयर्स इंटू इश्यूड प्राइस, इश्यूड प्राइस हमारी थी 11 रुपीस। चलो इसका मल्टीप्लाई 1,27,000 इंटू 11 रुपीज, आंसर इज 13,97,000। 13,97,000, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। सो फर्स्ट एंट्री जब आप लिखते हो तब याद रखना कि अगर एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है तो वो माइनस करना भूलना नहीं है। अब सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो ऊपर अमाउंट बताया था उतना डेबिट कर लो। सो 13,97,000 डेबिट किया। अब उसको हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब फेस वैल्यू जितनी होगी उतना कैपिटल में ले जाओ, प्रीमियम तो प्रीमियम में बताते हो। सो यहाँ पर देख लो, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ उसका प्रीमियम है। सो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में जो शेयर थे 1,27,000, 127 इंटू में 10 करो तो 12,70,000, और 1,27,000 इंटू प्रीमियम का 1 रुपीज़ करो तो 1,27,000 आता है। सो फर्स्ट टू एंट्री हमारी कंप्लीट। अब थर्ड एंट्री, अंडरराइटर्स को शेयर्स परचेस करने हैं। कितने शेयर्स परचेस करने हैं याद रखना, जितनी उनकी नेट लायबिलिटीज है। अब ये नेट लायबिलिटीज कहाँ पर होती है? स्टेप थ्री में। सो स्टेप थ्री में चेक करना, स्टेप थ्री चेक करना, जिसमें आंसर आया था 7,000, 5,000
11,000। सो ये है उनकी नेट लायबिलिटीज, 7,000, 5,000, 11,000 मल्टीप्लाई बाय, अगेन आई रिपीट, 7,511 ये नेट लायबिलिटीज है, वो स्टेप थ्री में से मिलता है, इनटू इश्यूड प्राइस। इश्यूड प्राइस थी 11 रुपीज़, सो फर्स्ट में मल्टीप्लाई हुआ 77,000, सेकंड में 55,000, देन 1,21,000, ये सब कुछ डेबिट हो गया। अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे आपके पास स्टेप थ्री में जो नेट लाइबिलिटीज लिखी थी ना, 5,000, 7,000, 11,000, उसका टोटल भी था। कितना टोटल था चेक करना, टोटल था 23,000। सो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना करना है, 23,000 × 10, सो आंसर इज 2,30,000, एंड प्रीमियम में 23,000 × 1 रुपीज, आंसर इज 23,000। सो थर्ड एंट्री हमें लिखनी है नेट लाइबिलिटीज जितने से रंडर राइटर को परचेज करने हैं। सो 7,511 जिसका टोटल होता है 23, प्राइस आप समझ सकते हो। अब फोर्थ एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन के लिए लिखा जाता है। अंडर राइटिंग कमीशन वो कैसे कैलकुलेट होता है, थियरी वाले वीडियो में बता दिया था, फिर से रिपीट करते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन, उसकी फॉर्मूला, ग्रॉस लाइबिलिटीज इंटू इश्यूड प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन। चलो एक एक एंट्री क्लियर करते हैं। भाई ग्रॉस लाइबिलिटीज कितनी थी, ग्रॉस लाइबिलिटीज स्टेप थ्री में चेक करो, फर्स्ट एंट्री में लिखा होगा। सो ग्रॉस लाइबिलिटीज था 50,000 ईच, राइट, 50,000 था ग्रॉस लाइबिलिटीज, इंटू इश्यू प्राइस, सर 11 रुपीज था इश्यू प्राइस, इंटू रेट ऑफ कमीशन। अंदर देखना, रेट ऑफ कमीशन सब में लिखकर नहीं दिया है, तो अब हमें रूल समझना है। मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन अगर इक्विटी शेयर है तो 5%, अगर डिबेंचर है तो 2.5%। हमारे सब में शेयर है, सो सभी का 5% कमीशन देना पड़ेगा। सो कमीशन की अमाउंट 27,500 फर्स्ट, देखो भाई ये क्रेडिट में लिखना है, सेकंड में भी 27,500 एंड थर्ड में भी 27,500, क्योंकि 50,000 शेयर्स है इसीलिए सभी का कमीशन सेम आएगा। अब देखो ये तो क्रेडिट किया है, ये तीनों का टोटल ऊपर अंडर राइटिंग कमीशन बन जाता है टोटल कमीशन। सो टोटल कमीशन होता है 82,500 जिसका टोटल किया, बराबर, ये तीनों का टोटल 82,500। सो जब फोर्थ एंट्री लिखते हो, ये कमीशन काउंट करने की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। सबसे पहले अंडर राइटर, ईच अंडर राइटर का कमीशन बताकर उसका टोटल ऊपर डेबिट कर दो। अब लास्ट एंट्री, फाइनल सेटल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट हमें सेटल करना है, उसके लिए शॉर्टकट बताया था, जनरल एंट्री 3 माइनस जनरल एंट्री 4। थर्ड एंट्री में से फोर्थ एंट्री की अमाउंट माइनस करते जाओ, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो सबसे पहले अंडर राइटर में वैल्यू बतानी है,
चलो एंट्री नंबर 3, थर्ड एंट्री में अमाउंट था 77,000, 55,000, 1,21,000 माइनस, उसमें से हमें माइनस करना है एंट्री नंबर 4। सो सभी में 27,500 माइनस कर देना है। तो फाइनल अमाउंट कितनी आएगी? फर्स्ट में 49,500 फर्स्ट अमाउंट, सेकंड 27,500 एंड थर्ड 93,500, जिसका टोटल, ये तीनों का टोटल हमें बैंक अकाउंट में डेबिट करना है 1,70,500, 1,70,500। सो डियर स्टूडेंट्स, टोटल 5 एंट्री लिखनी है पूरे चैप्टर में। कौन सी अमाउंट कहाँ से लिखनी है वो याद रखना है। फाइनली जब हम सम खत्म करते हैं तो आपको प्रोसेस मालूम है कि टोटल टोटल होता है 33 लाख। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 11 पूरा डिस्कस हो गया। आई होप ये इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह तरह से आप समझ गए होंगे। सो हैव अ गुड डे डियर स्टूडेंट्स, एन्जॉय योर लाइफ। भारत माता की जय।